So now we have reached the last principle of Fayol, esprit de corps. So is esprit de corps का मतलब है कि organization में team spirit होना. Like हमने organizations के बारे में पढ़ा है कि अलग-अलग departments होते हैं, अलग-अलग divisions होते हैं, अलग-अलग products होते हैं. तो जब तक उन प्रोडक्ट्स के मैनेजर्स में या फिर डिपार्टमेंटल के मैनेजर्स में एम्प्लॉयज़ में एक टीम स्पिरिट नहीं होगी कि हाँ हम पूरी एक टीम है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाने की, जब तक ऐसी फीलिंग उनके अंदर नहीं होगी, जब तक एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में हेल्दी रिलेशंस नहीं होंगे, तब तक जो उनके गोल हैं वो अचीव ही नहीं हो सकते. अगर सब एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे या फिर कोई एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं कर रहा है जैसे, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक टेंस माहौल रहेगा, कोई खुशी नहीं होगा. ठीक है, तो इसके लिए फियोल ने फोकस करा है कि आई वर्ड को वी के साथ रिप्लेस करना चाहिए हमेशा. मतलब मैनेजर जब भी अपने स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, तो बातों में आई की जगह एक वी का वर्ड यूज होना चाहिए. जैसे कि आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हो, वो जब भी एक स्पीच देते हैं वो हमारे भारत के बारे में बात करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मेरा भारत है ये, हमारा भारत, हमारा ये, हमारा वो. तो मतलब इससे क्या होगा, हम सबको लगा कि हम ये जो जिम्मेदारी है हमारी पूरी सबकी है. ठीक है, तो उससे एक बिलोंगनेस की भी फीलिंग आती है, उससे एक टुगेदरनेस की फीलिंग आती है एम्प्लॉयज़ के अंदर. तो ये फीलिंग लानी बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ में, जिससे कि वो सभी एक गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते रहें. और इसके लिए फियोल ने यही बोला है कि पेनल्टीज़ को कम से कम लगाना चाहिए, जिससे कि कोई हेट्रेड की फीलिंग ना फैल जाए लोगों में कि लाइक ये तो मैनेजर हमारे पीछे पड़ा रहता है. ठीक है, चलो एक केस स्टडी देखते हैं इसमें. हम कोशिश करेंगे एस्पिरिट डी कॉप्स प्रिंसिपल ढूंढने की. राजन सिमरन आर बोथ क्वालिफाइड आई सर्जन एंड गुड फ्रेंड्स. आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे डिसाइड टू परस्यू अ करियर ऑफ देयर ओन चॉइस. ये केस स्टडी हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन पहले हमने दूसरे प्रिंसिपल के लिए पढ़ी थी, क्योंकि इसमें दो तीन प्रिंसिपल हैं. तो इस बार हम एस्पिरिट डी कॉप्स ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें. Raj starts an eye care center in the city, whereas Simran joins a government hospital in a small village. They meet after a long time in a party. Raj invites Simran to visit his eye care center and she accepts his invitation. She observes at his clinic that there is a fixed place for everything and everyone and it is present there so that there is no hindrance in the activities of the clinic. So, jaise ki humne iske mein padha tha ki yahan principle of order hai. Abhi aage dekhte hain. Also, Raj always tends to replace I with V. यहाँ ये विल की जगह विद कर देंगे हम, आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस विद द स्टाफ मेंबर्स. तो यहाँ पे मैं समझ में आ रहा है कि यहाँ एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है.